हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल प्रीतीज गार्डन और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं किचन गार्डन का अपना छोटा सा एक ओवरव्यू दे रही हूँ और देख सकते हैं जो मक्की के प्लांट्स मैंने लगाए हुए थे इन सभी में देखिए भुट्टे निकल गए हैं। और यहाँ पर मैंने एक खरबूजे की बेल है मेरी, इस पर एक खरबूजा लगा हुआ है। देखिए ये अभी थोड़ा छोटा है इसलिए मैं इसको हार्वेस्ट नहीं करूँगी। और ये मैंने यहाँ पर छुपा कर रखा हुआ है देखिए, क्योंकि यहाँ पर मॉन्क किया जाते हैं और सारे प्लांट्स को और फ्रूट्स को सभी को ख़राब कर देते हैं। और हमारे यहाँ इनको भुट्टे कहते हैं, मक्की के जो ये होते हैं प्लांट्स पर लगते हैं। और आपके यहाँ क्या कहते हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर कुछ करेले लगे हुए हैं, यहाँ बीच बीच में भी और काफ़ी सारे करेले लगे हुए हैं। और ये कुछ मैंने अदरक लगाई हुई है अपने गार्डन में और देख सकते हैं कि न्यू अदरक इसमें बनना स्टार्ट हो गई है यहाँ पर। और ये काफ़ी हेल्दी अभी बना हुआ है मेरे गार्डन में। और ये कुछ कोलियस की कटिंग मैंने कुछ दिन पहले लगाई थी और देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल कलर इसके हैं। और इन प्लांट्स में फ्लावर तो नहीं आते हैं, पर इनमें फ्लावर की ज़रूरत भी नहीं होती, ये देखने में इतने सुंदर लगते हैं। और ये 4 से 5 दिनों में ही इनकी कटिंग चल जाती है। और ये कुछ कटिंग मेरी गुलदावरी की जो कि अच्छे से चल गई है और इनको कुछ टाइम बाद में इनको रिपोर्ट करना है। और ये कुछ मेरी चांदनी की जो सिंपल वाली चांदनी की कटिंग होती है देसी वाली, और ये मेरी अच्छे से चल गई हैं। और ये कुछ और कटिंग मैंने लगाई हुई हैं जो कि अभी मैंने 2-4 दिन पहले ही लगाई है। और ये कुछ वेजिटेबल्स जो कि मेरे अभी गार्डन में लगी हुई हैं और सारी बेलें बहुत अच्छे से काफ़ी हाइट पर पहुंच गई हैं इस टाइम मानसून के सीज़न में। और ये इतनी हाइट पर पहुंच गई हैं कि इनको हार्वेस्ट करने में बहुत ऊपर तक जाना पड़ता है। और देख सकते हैं कि मानसून के सीज़न में हमें इनमें ना तो ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है और ना पानी की, क्योंकि समय रहते ही बारिश हो जाती है तो हमें पानी भी इन दिनों ज़्यादा नहीं डालना पड़ता है। और कुछ वेजिटेबल्स की सब्जियां आप भी अपने गार्डन में लगाएं और ऑर्गेनिक सब्जियों का स्वाद लें। और देख सकते हैं कि मेरे गार्डन में काफ़ी टाइम से काफ़ी सारी वेजिटेबल्स लगी हुई हैं और सारे प्लांट्स जो हैं मानसून के मौसम को अच्छे से इन्जॉय करते हैं और ये हैप्पी फील करते हैं इन दिनों मानसून के मौसम में। और ये कुछ आज की हार्वेस्टिंग। और देख सकते हैं ये वाटरमेलन मैंने आपको काट कर इसलिए दिखाया है क्योंकि मैंने ये अपने गार्डन में फर्स्ट टाइम लगाए हैं तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं है कि इनको कितने दिनों में हार्वेस्ट करना चाहिए। और देख सकते हैं कि ये कुछ थोड़ा सा मुझे ये कम पका हुआ लगा है कि ऐसे तो खाने में ये इनमें मिठास है अभी भी, पर अगर और ज़्यादा पक जाए तो इनमें और ज़्यादा मिठास होगा। और ये कुछ वेजिटेबल्स जो कि हमने हार्वेस्ट किए हैं, 2 दिन की हार्वेस्टिंग मैं अपनी वीडियो में दिखा रही हूँ। और आप भी कुछ प्लांट्स अपने गार्डन में लगाइए और ऑर्गेनिक सब्जियां उगाइए। तो देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी में मेरे गार्डन में वेजिटेबल्स निकल जाती हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और अपना और अपनों का ध्यान रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।